हे ब्यूटीफुल पीपल वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का हॉल थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है कपड़ों से हटके है बहुत ही प्यारे प्यारे मैंने बैग मंगाए हैं तो ये होने वाला है बैग हॉल फ्रॉम मीशो तो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं बहुत ही सुंदर हॉल होने वाला है तो आप पूरा देखना और डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें इनमें से पसंद आने वाली है और एक ही पैटर्न नहीं है मैंने अलग अलग टाइप के बैग मंगाए हैं बहुत सारे बैग और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन अपने हॉल को पर इसमें मैं आपको बता दूँ इसमें आपको सारे बैग मिल जाएंगे ऑफिस बैग टोट बैग मैग मतलब बहुत सारे और मैं क्या क्या बोलूँ जब मैं वन बाई वन आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चल ही जाएगा बढ़ते हैं अपने पहले बैग की तरफ को जो है एक मैक्रे मोबाइल स्लिंग बैग ये है वाइट कलर का आप देख सकते हो और इसमें आप ऐसे नहीं कि आपको बहुत सारे कलर अवेल है कलर इसमें बस आपको एक ही मिलने वाला है बट इसकी आप क्वालिटी जैसे मैंने ओपन करा पहले तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही प्यारी आई थी अब हम पैकेजिंग के बाद आगे बढ़ते हैं इसकी क्वालिटी में आप देखो आपको बहुत ही प्यारा मैक्रीम का वर्क इसमें मिलेगा और एक अच्छी सी प्यारी सी उन्होंने स्ट्रिंग दी है स्ट्रैप जिससे आप बना सकते हो इसको आप लाइक ऐसे क्रॉस बॉडी भी बना सकते हो और स्लिंग भी बना सकते हो मैं आपको दिखा रही हूँ प्रॉपर जहाँ पर आपको फ़िक्स करना है ना फिक्स करने के लिए आपको प्रॉपर एक कुछ बना के उन्होंने नहीं दिया है जो इसका जो ये नीटेड वर्क है इसी में से आप कहीं पर भी इसे जाके फिक्स कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग आई मीन आपको अगर लंबा चाहिए तो आप इसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ और मैं थोड़ा सा ना आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि एक आइडिया आ जाता है आपको कैसे ये चीज़ें कैरी करनी है तो मुझे देखो काफ़ी प्यारा लगा ऐसे ड्रेसेस के साथ तो बहुत ही प्यारा ये जाने वाला है और स्पेस की बात भी आप देखो फ़ोन इसमें बहुत प्यार से बहुत कंफर्टेबली फ़ोन आ रहा मैं कार्ड की जगह आपको एक अपना सोप पेपर दिखा रही हूँ मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें आप एक कार्ड्स भी कैरी कर सकते हो और फोन तो ईजिली आ रहा है आजकल आपने देखे होंगे स्पेशली ये मोबाइल होल्डर ही है तो बहुत ही प्यारा है क्वालिटी की बात करूँ टेन ऑन टेन है यार इतना प्यारा मीशो पर इतनी चीज़ें आप देखो मैं इसलिए बार बार आपको ना जूम करके या पास से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए तो मेरी तरफ से थम्स है और बाकी आप देख लेना अगर आपको इस टाइप का कुछ चाहिए तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ को जिसमें मैंने मंगाया है ब्लैक कलर बस में एक कलर और अवेलेबल है जैसे आप देख सकते हो लेवेंडर कलर इसकी पैकेजिंग की भी बात करूँ बहुत ही प्यारा इन्होंने पैक करके दिया है और जैसे ही मैं इसको ओपन कर रही थी इसमें एक थैंक्स नोट भी था आप देख सकते हो मैं आपको दिखा भी रही हूँ तो ये भी काफ़ी इनका जेस्चर अच्छा लगा मुझे और उसके बाद अगर पैकेजिंग बात करूँ ना आप खुद देखो ये हैंड पे जो हैंड वो नहीं होता स्लिंग वाला इसमें भी बहुत अच्छे से इन्होंने कवर करा है जैसे ब्रांडेड बैग नहीं होते तो उस टाइप का इन्होंने पैकेजिंग करके दी थी जो काफ़ी इंप्रेसिव था यार अपने आप में मीशो से तुम कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो इतने अच्छी वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मैं आपको इसलिए ज़ूम करके दिखा ताकि आप क्वालिटी देख लो इसका जो मटेरियल है वो पीयू है मटेरियल है 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 जो एक लाइक ये ये होता है, leather, मतलब होता इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेदर लेदर मतलब मैन मेड तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है मैं आपको दिखा रही हूं ताकि ना कि एक आइडिया आ जाता है कैसे ये लगने वाला है इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे हाफ चांद होता है जैसे वैसे लग रहा था मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसमें मतलब इतना अच्छा लगा मैंने कहा कुछ डिफरेंट है जैसे लाइक हम रेक्टेंगल बैग यूज करते हैं तो ये काफी इसका शेप भी काफी एक ब्रांडेड बैग की तरफ था तो मेरी तरफ से ओ, थम्स अप है यार बिल्कुल आप जा सकते हो और स्पेस भी काफ़ी है काफ़ी चीजें आप इसमें कलेक्ट कर सकते हो तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ को जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक आप कह सकते हो मैंने जैसे बोला मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में मैंने मंगाए हैं ये है एक पर्ल वाला बैग जो बहुत ही क्यूट लग रहा है आप देखो बट इसमें भी आप कह सकते हो क्योंकि पर्ल वाली डिटेलिंग है तो बस एक ही टाइप का आपको मिलेगा इस तरह से कुछ डिटेलिंग और उसके हैंडल्स आप देखो कितना क्यूट लग रहा है

हैंडल भी दिया हुआ है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप देख लो इसको एज ए हैंड बैग भी मैंने यूज़ करा है और एज ए स्लिंग भी मैं आपको अभी यूज़ करके दिखाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे लगने वाला है इसको तो मुझे ऐसा लग रहा हम एथनिक वेयर में भी पहन सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी आई मीन वैकेशन पर जा रहे हैं तभी के लिए भी बेस्ट है क्रॉस बॉडी बैग बना सकते हैं ये देख सकते हो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और ना इसकी क्वालिटी ही ना बल्कि इसमें स्पेस तो देखो आप मैंने आपको सामान दिखा रही हूँ वन बाय वन क्लचर लिप बम फ़ोन वॉलेट मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको एक इतने छोटे से बैग में मिल रही है जो स्टाइलिश अपने आप में कितना ज़्यादा है आप देख लो ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडी भी है आपने देखा ही होगा तो यार डेफिनेटली मेरी तरफ से थम्स अप है अगर आपको इस टाइप का कुछ चाहिए तो चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ को जो मैंने मेरे साथ इस वाले बैग में लिटरली स्कैम हुआ है, आप देख लो मैंने आपको पिक्चर्स किस चीज के चीज़ के, लगा के दी है और अब मैं आपको उस चीज के तो बता नहीं सकती जो मैंने ऑर्डर किया है अब आप मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊँगी इस बैग के बारे में बताऊंगी इसमें भी आप देख सकते हो इसकी डिटेलिंग की बात करूँ ना काफी अच्छा सा इसका प्रिंट है इसमें आपको ना दोनों साइड बैग वो सॉरी दोनों साइड पॉकेट मिल जाती है एक वाली पॉकेट तो उसकी काफी बड़ी है और थोड़ी वो जो सेकंड वाली है जो दूसरी तरफ वाली है वो थोड़ी छोटी है और दो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं ये एक राउंड शेप में बैग मिलता है आपको और जिसमें से आपको ऊपर से थोड़ा सा हैंडल भी मिल जाता है और जो इसका ना स्ट्रिंग इस है जिसको आप क्रॉस बॉडी या फिर स्लिंग uh, बैग जो बनाओगे वो एडजस्टेबल है ये चीज़ें काफी अच्छी है वेयर करके तो इतना बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे पे ना राउंड वाला बैग ऑलरेडी है तो इसलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड इसके लिए हुई भी नहीं और क्योंकि ऑलरेडी मेरे पे था तो आप लोग देख लेना अगर आपको इस टाइप का कुछ चाहिए ना लाइक राउंड शेप में कुछ चाहिए तो आप मंगा सकते हो मैंने तो रेक्टेंगल मंगाया क्योंकि मेरे पे ना रेक्टेंगल उस टाइप का था नहीं अगर आपको ये पसंद आ रहा अगर मैं इसे जेनवन रिव्यू दूँ तो अच्छा था इतना बुरा नहीं था बहुत अच्छा था और तो या चलो इस बैग की भी बातें बहुत हो गई हूँ थोड़ा डिसअपॉइंट तो मैं डेफिनेटली हुई थी अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ को अगेन ही आप देख सकते हो ना डिफरेंट है मैंने जैसे बोला था ना आपको सारे अलग अलग वैरायटी के बैग मिलने वाले वाले है यह जूट का एक बहुत ही प्यारा बैग और डिटेलिंग भी उतनी ही प्यारी है जितना ये प्यारा बैग है ये एक आप देख सकते हो इसका आजकल बकेट बैग भी बोलते हैं हैंड बैग भी बोलते हैं तो ये बैग ना ऐसे जनरली जब आप पिकनिक पर जाते हो क्योंकि काफ़ी स्पेशियस है आप देख सकते हो बहुत ज्यादा इसमें सामान आने वाला है ऐसे लड़के इसको लाइक अपने बर्थडे पर भी यूज़ करती है इससे आप फोटोशूट भी करा सकते हो और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी मैंने देखा है ये इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और लड़के ऐसे भी इसे यूज करती है जैसे मैंने आपको करके दिखाया डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स इसमें डाल सकते हो तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ऐसे जनरली मतलब फ़ोटोशूट और ऐसे कुछ आपको कराना है कभी पिकनिक पे जाना है फैमिली के साथ तो बहुत सारा सामान आ जाएगा इसमें आपका और उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है आपको खुद भी देखने को मिल रहा होगा ना इसीलिए मैं आपको ऐसे जूम जूम करा के या फिर पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारा है मुझे ना मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लगी मीशो पर इतने कम प्राइस में बहुत प्यारा प्यारा मिल रहा है तो इसलिए देख लो आप मेरी तरफ से तो थम्स अप है अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ को ये है एक लेदर का बैग मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही प्यारी है पैकेजिंग की मैं क्या ही बात करूँ देख सकते हो अब लेयर में इन्होंने हमें पैक करके दिया हुआ है ब्राउन कलर का ये बैग है आप देख सकते हो और इसमें स्पेस की बात करूं मैं आपको स्पेस दिखा रही हूँ काफी काफी स्पेस है ये स्पेशली लिखा ही ऑफिस स्टोर्ड बैग था क्योंकि ऑफिस में जाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए आप देख सकते हो और इसकी जो स्ट्रिंग है वो वो एडजस्टेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं उन्होंने ऑलरेडी अच्छे से एडजस्ट करके दिया हुआ ही है स्पेस काफ़ी है और इसमें क्लोजर के लिए आपको मैंने दिखा दिए टिकटॉक वाले बटन है ये और इसमें कोई आपको अंदर की तरफ भी कोई पॉकेट नहीं मिलेगी बाहर की तरफ को कोई पॉकेट नहीं मिलेगी कोई जिप नहीं कुछ भी नहीं बस उनमें एक ही है बट स्पेस काफ़ी है अब ये सारी चीज़ें तो मैंने इसकी बता दी जिनको लेना है डेफिनेटली जा सकते हो बट मैं अपनी तरफ से एक चीज़ बोल दूँ मैंने पहले ही बोला था ये लेदर का बैग है और मैं लेदर की चीज़ें यूज़ नहीं करती ये मेरी गलती से ऑर्डर

तो वो तो हम यूज़ कर सकते हैं तो चलो ज्ञान की बातें बहुत होगी मैंने अपनी तरफ़ से बोल दिया मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ और आगे भी अवॉइड करूँगी तो चलो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ आपको ये हॉल कैसा लगेगा ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना जब आप कमेंट करते हो स्पेशली मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं सबके कमेंट के रिप्लाई भी करती हूँ और अगर ये वाला हॉल भी मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब जो चल रहे हैं उस टाइप का ही आपने प्यार दिया तो आपके लिए बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती थी मतलब वो आपको नेक्स्ट हॉल में ज़रूर पता चलेगा मैं लिटरली कब से सोच रही हूँ कि ऐसा करूँगी मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो या दैट्स इट फॉर the video thanks for watching please do like share subscribe my youtube channel